तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है रोमन टू इंटीजर। और ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछी जा चुकी है, जैसे अमेज़ॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर। ओके, तो जो कोडिंग प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक रोमन न्यूमरल रोमन नंबर दे रखा होगा और आपको उसका इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर निकालना है। ऑलराइट, सो आई गेस आपको रोमन न्यूमरल को रीड करना आता होगा। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा रोमन न्यूमरल है तो इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी 1 और इसकी 5। ओके, तो अगर किसी भी बड़े नंबर के पहले एक छोटा नंबर आता है तो हमें उसे इसके सम में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में इसकी वैल्यू होगी 4। ओके, तो 10 में मैं 4 ऐड करूँगा। ऑलराइट, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स, ओके, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये क्या होगा, 10 के प्लस 9, क्योंकि इसका मतलब होता है लाइन 9। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या अप्रोच को यूज़ करेंगे इस कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ देखो, जैसे मेरे पास मान लो ये मेरे पास रोमन न्यूमरल है, मैं इसको लास्ट से रीड करना शुरू करूँगा। ओके, और एक मैं वेरिएबल ले लूँगा, ओके, प्रीवियस। ओके, प्रीवियस में मैं 1 स्टोर कर दूंगा। ओके, आई, ठीक है। तो देखो मैं क्या चेक करूँगा, देखो, और एक सम वेरिएबल ले लूँगा, सम में मैं इसकी करंट वैल्यू में स्टोर कर दूंगा। तो वी की वैल्यू 5 है प्लस, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा करंट है, ओके, ये मेरा अभी करंट बन गया, तो जो मेरा करंट है अगर वो अपने प्रीवियस, इसको मैं प्रीवियस बोल रहा हूँ जिसको मैं देख चुका हूँ, ओके, अगर उसके प्रीवियस से जो करंट है वो छोटा है, दैट मीन्स वो माइनस होना है, तो हम उसको हमारे सम में माइनस कर देंगे। अब मैं यहाँ आऊँगा तो अब ये मेरा करंट बन जाएगा, ऑलराइट, और ये मेरा प्रीवियस बन जाएगा। ओके, तो हम चेक करेंगे क्या करंट प्रीवियस से छोटा है, नहीं, तो हम इसको प्लस करेंगे। अगेन, अब ये करंट बन जाएगा और ये प्रीवियस बनेगा। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 10, तो इसका जो टोटल सम आ जाएगा वो आ जाएगा 24। तो गाइस, ये अप्रोच हम यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको रोमन न्यूमरल को रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा। रोमन न्यूमरल को रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो बेस्ट वे, तरीका होगा इसको रिप्रेजेंट करने का, वो होगा डिक्शनरीज। ओके, तो मैं हर एक रोमन न्यूमरल का जो भी इक्विवेलेंट इंटीजर है उसको मैं एक डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में मैं सेव कर दूंगा। ओके, तो चलो दोस्तों इसका कोड देखते हैं कि क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक एरे है, 1 2 3 4। ओके, सपोज़ मेरे पास एक एरे है, इस एरे को मैं रिवर्स मैनर में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं पाइथन में बहुत इजीली इसे कर सकता हूँ। मुझे ये लिखना पड़ेगा फॉर आई इन, ठीक है, डबल कोलन -1। ओके, सो अगर मैं प्रिंट करूँगा आई को, ओके, तो जो मेरा आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो आएगा मेरा 4 3 2 1। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि एरे को रिवर्स कर दो। ओके, ये एरे को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने के बाद
एक एक करके सब एलिमेंट्स आई के थ्रू मैं एक्सेस करूँगा। तो चलिए फाइनली अब इसका कोड देखते हैं कि कैसे होगा। तो दोस्तों कोड में मैं सबसे पहले मैं अपना फंक्शन डिफाइन कर दूंगा, रोमन टू इंट सेल्फ ए, ए मेरा इनपुट एरे होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। डिक्शनरी में मैं जितने भी पॉसिबल रोमन नंबर्स होते हैं ओके उनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अगर एम होगा तो इसका मतलब 1000 है, डी होगा तो इसका मतलब 500 है, और अगर सी है तो इसका मतलब है 100, अगर L है तो इसका मतलब है 50, X है तो इसका मतलब है 10, V है तो इसका मतलब है 5, और 1 है तो इसका मतलब है 1। ऑलराइट, अब मैं एक प्रीवियस डिफाइन कर दूंगा जो होगा I, और ये रिजल्ट मेरा एक एक नंबर होगा जिसको मैं जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। इसमें मैं अपना फाइनल रिजल्ट स्टोर करूंगा। अब मैं अपने जो मेरा स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जो ये इनपुट होगा ये एज अ स्ट्रिंग मिलेगा ओके, इसको मैं एक एक करके एक्सेस करूंगा। सो फॉर करंट इन ए -1 ओके, सो ऐसे में मैं अपने उस करंट उस एरे को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस कर लूँगा। तो देखो अब क्या होगा, इफ मेरा डिक्शनरी ऑफ करंट ओके डी ऑफ करंट इज लेस देन डी ऑफ प्रीवियस ओके, तो फिर मेरा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, रिजल्ट माइनस डी ऑफ कर। सो डी ऑफ कर एक्चुअली क्या करेगा, उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल लेगा। तो करेंट की अगर इंटीजर वैल्यू प्रीवियस वाले से कम है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये जो करंट है और ये प्रीवियस जो मैंने देखा है, करंट की वैल्यू प्रीवियस से कम है, तो मैं उसको रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो मेरा करंट वैल्यू है जो, नहीं तो ठीक, नहीं तो सिंपली हम रिजल्ट में जो करंट रोमन न्यूमरल की वैल्यू है उसको मैं ऐड कर दूंगा। और अब मैं अपना प्रीवियस जो है अपडेट कर दूंगा, वो अभी का जो करंट है वो बन जाएगा, और लास्ट में मैं अपना रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट ओके। तो दोस्तों यही है इसका कोड, काफ़ी सिंपल कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली है कि कब मुझे रिज़ल्ट को माइनस करना है ओके, और कब मुझे करंट को प्लस करना है। तो यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ओके, वो ऑर्डर ऑफ एन ही है, क्योंकि हम सिंपली एरे को होल एरे को एक्सेस कर रहे हैं, और एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग होगा ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एन स्ट्रिंग ओके। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ऑर्डर ऑफ 1। ऑलराइट गाइस, तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आगे भी इस तरह की कोडिंग प्रॉब्लम्स आपके सामने उनका सॉल्यूशंस प्रेजेंट करूँगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल में इस तरह की
कोडिंग जिसमें मैंने कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जो फेमस कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करके डाला है, तो और वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।